तो भाई फाइनली हम लोग रिंगस से खाटू शाम 18 किलोमीटर की दूरी तय करके भाई पहुंच चुके हैं। ये है तोरण द्वार, यहाँ का इसको चढ़ाने के लिए लेके चल रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अभी हम लोग हैं राजस्थान में। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखा होगा कि मैं मिला था भाई मिस्टर इंडियन हैकर से, और आज हम लोग जा रहे हैं भाई खाटू श्याम। अभी हम लोग हैं रिंगस में, यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है उसी में रुके थे। तो आज हम लोग रिंगस से खाटू श्याम भाई पैदल यात्रा करेंगे, वो भी 18 किलोमीटर तक है दूरी, और हम लोग भाई वो भी नंगे पाँव करने वाले हैं। आपको सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में, कैसे जाएंगे हम लोग, निशान कैसे लेंगे और कैसे जाना है, सब कुछ दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में भाई लास्ट तक जरूर बने रहना। और हमारे साथ देखो हमारा भाई भी है इधर, मार्कोस सब मिल के चलेंगे। बोलो जय श्री श्याम। तो चलो भाई चलते हैं और आज की यात्रा को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो भाई चलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं भाई अपने जहाँ पे रुके थे होटल से, और देखो इतने अच्छे से पूरे रास्ते में निशान लगाया गया है। ये देख रहे हो सारे ये निशान की दुकानें लगी हैं सामने पूरा गली में। और हम लोग अभी चल रहे हैं निशान भवन, और निशान भवन से फिर अपना निशान लेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे खाटू श्याम, और फिर आप लोग भाई इंजॉय करेंगे। वीडियो में बने रहना। देख सकते हो पूरी दुकानें इधर लगी हैं खाटू श्याम की। अंकल बुला रहे हैं। और अंकल वेलकम है भाई, स्वागत है आपका। ये अंकल मिल गए, देखो रास्ते में आप लोग। हम लोग लखनऊ से, लखनऊ से आ रहे हैं यूपी, लखनऊ से हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी श्याम नगरी में आए हो, बिल्कुल अच्छे लगते हो। रिंगस में आए हो, श्याम नगरी में आए हो, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। क्या नाम आपका? विकेश। विकेश जी आपका स्वागत है, वेलकम है। और देखो हमारे श्याम शाकाहारी थे, हमारे श्याम नशा मुक्त थे, हमारे श्याम गुरु भक्त थे, और गुरु के आदेश पर उन्होंने सीसी दान में दे दिया था, इसलिए वो शीश के तानी कहलाए और हारे के सहारे कहलाए। इसलिए देखिए आप भी अच्छा काम करते चलो, अच्छा काम कराते चलो। तो भाई अभी मैं आ गया अपना निशान लेने के लिए, मैं पहुंच चुका हूं निशान भवन। और ये देख रहे हो ये सारे निशान हैं, सबका प्राइस अलग अलग है। ये इधर 100 के लगे हैं, ये 150 का है। तो देख लेते हैं हमको कौन सा कलर प्यारा है वही ले लेंगे। फाइनली हम लोग अपना देखो निशान ले लिए, अभी पूजा कराना है यहाँ पे इस निशान भवन में। कितने लोग पूजा करा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो, बाहर भी लोग जा रहे हैं करा के। चलो भाई अपना पूजा कराते हैं। ये निशान भवन है देखो यहाँ का। फाइनली वाइज पूजा हो गया अपने निशान का, अब चलिए चलते हैं खाटू श्याम पैदल इंजॉय करते हुए। इधर देखो सारे लोग आ रहे हैं, भाई हमारा ये है। चले भाई, चलो भाई यात्रा स्टार्ट हो चुकी है अपनी। तो उस निशान को भाई हम लोग अभी यहाँ से उठा चुके हैं, और हम लोग को इसको रास्ते में कहीं भी नहीं रखना है। अगर हम लोग को इसको कहीं पर रखना पड़ेगा तो इसके लिए ना रास्ते में स्टैंड बना हुआ है जहाँ पे कि हम लोग इसको रख सकते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे डायरेक्ट अब हम लोग लेके खाटू श्याम पहुँचेंगे। देखो लोग आगे जा रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है। और पहला जो हम लोग ठहराव लेंगे भाई वो लेंगे टोल प्लाजा, पड़ता है आगे, वो 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो वहीं मिलेंगे। चलो भाई सारे लोग भाई जा रहे हैं देखो आगे से। अभी हम लोग लगभग 200 मीटर आ चुके हैं आगे, और यहाँ जगह जगह पे रेस्टोरेंट बना रहता है जहाँ पे कि आप अगर थक गए हो तो वहाँ पे स्टैंड रखा रहता है, तो वहाँ पे रख के स्टैंड पे आप थोड़ा देर रुक सकते हो, आराम कर सकते हो। वैसे ये देखो यहाँ पे बालू बिछाई रहती है चलने के लिए, जो लोग पैदल चलते हैं ना, जैसे हम लोग चल रहे हैं नंगे पाँव, तो यहाँ पर पैर वैर जले तो इसलिए बालू भी बिछा के रखे हैं। इधर देखो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, और ये स्टैंड भी है यहाँ पर,
जहाँ पे कि आप रख सकते हो अपने निशान को, फिर वहीं से उठा लोगे। ये देखो भाई किस तरह से दंडवत करते हुए जा रहे हैं भाई अपने। जय श्री राम भैया। आप लोग कितने दिन में पहुँचेंगे भैया? 24 घंटे लग जाएंगे ना आप लोग को। चलो भैया आओ आप लोग भी आराम से। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी 5 किलोमीटर चल के आ चुके हैं भाई पैदल वो भी, और यहाँ से लगभग अब वही 15 या 14 किलोमीटर बचा है। ये जो अपना टोल प्लाजा है यहाँ से जो निशान भवन है उसको दूरी भाई 5 किलोमीटर है। तो फाइनली 5 किलोमीटर हम लोग बिना रुके आ चुके हैं और इसके आगे का रास्ता अभी बाकी है, तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग लगातार 3 घंटे से चल रहे हैं, 3-3.5 घंटे हो गए। लगभग 10 बजे के आसपास निकले थे हम लोग और अभी बजे भाई 1 बजने वाले हैं। बिना रुके भाई हम लोग आ चुके हैं, लगभग आधा दूरी तय कर चुके हैं, लगभग 6-7 किलोमीटर और बचा है, ज़्यादा नहीं। और भाई पैर का हालत एकदम ख़राब हो चुका है भाई, पूरा छाले पड़ चुके हैं भाई पैर में भाई, बाकी डर नहीं पड़ेगा। लेकिन चलेंगे भाई बिना रुके चलेंगे क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं है, अगर रुक गए तो भाई नहीं चल पाएंगे यार क्योंकि पैर का हालत ख़राब हो चुका है, इसलिए हम लोग चले पड़े हैं। जैसे ही पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे भाई, 1-1.5 घंटे भी और लगेंगे। चलो चलते हैं भाई, आप सबको भी दर्शन कराते हैं बाबा श्याम का। सामने देखो लोग जा रहे हैं, हमारे पीछे भी देखो लोग आ रहे हैं। चलो भाई कैसा लग रहा भाई चल के, थक रहे हो कि नहीं? एकदम थक चुके हैं लेकिन बाबा जी का आशीर्वाद है तो आम बात है, आम बात है। और भाई एक बात है ना, इतनी गर्मी है, धूप है भाई, राजस्थान है ना, ऊपर से बालू फेंक लिए पीछे। अरे नहीं ऐसा नहीं है, चलो भाई मिलते हैं। तो भाई लगातार चलते चलते हम लोग 15 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं भाई और हालत ख़राब हो चुकी है, सच में झूठ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे ये कैमरा के सामने थोड़ा सा हैप्पी दिखते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे। जैसे जैसे पहुँचते जा रहे हैं वैसे वैसे खुशी बढ़ती जा रही है भाई। और रास्ते में भाई मेडिकल ट्रीटमेंट भी है यार, अगर आपके पैर में कुछ होता है तो इसके लिए पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, जैसे कि अगर पत्थर वगैरह गड़ गया सारा कुछ है भाई। वेटिंग ये पूरा है, आराम करने के लिए बना है लेकिन आराम नहीं कर रहे भाई, जान को लगातार चल रहे हैं भैया, एक बार भी नहीं रुके भाई हम लोग, एक बार भी नहीं रुके हैं और ना ही रुकेंगे भाई, डायरेक्ट चलेंगे खाटू श्याम, तो खाटू श्याम ही जाना है। बीच में खा पी भी नहीं रहे? नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी पानी पी के चल रहे हैं बस। तो भाई फाइनली सब्र की घड़ी ख़त्म हुई और हम लोग आ चुके हैं भाई पैदल यात्रा करके तोरण द्वार, जो कि ये हमारे सामने भाई देख सकते हो। पहुँच गए हम लोग, इस रास्ता है ये जिससे हम लोग आए भाई, ये देखो बस थोड़ी ही देर में यहाँ से भी अभी खाटू श्याम 2 किलोमीटर है भाई, तो चलो चलते हैं बने रहो आप लोग। तो भाई फाइनली हम लोग रिंग बस टू खाटू श्याम 18 किलोमीटर की दूरी तय करके भाई पहुँच चुके हैं। ये है तोरण द्वार यहाँ का, जो कि देख सकते हो भाई काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं भाई। यहाँ पे देखो एकदम डांस हो रहा है बैंड बाजा के साथ, फोटो क्लिक हो रहा है ये देख सकते हो। और यहाँ से भाई 2 किलोमीटर अभी हम लोग को और अंदर जाना है, वहाँ पे खाटू श्याम मंदिर देख सकते हो भाई। तो भाई अभी हम लोग निकल चुके हैं तोरण द्वार से और यहाँ से 2 किलोमीटर अभी और हम लोग को अंदर जाना है, उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे खाटू श्याम का। और भाई यहाँ पे आके अभी ऐसा लग रहा है ना भाई, 18 किलोमीटर क्या, अभी तो अभी हम लोग और चल लेंगे 18 किलोमीटर है कि नहीं भाई, फुल एनर्जी हो गई है भाई यहाँ आने के बाद, सारा दर्द खत्म। देखो यही गली है, चलो भाई मिलते हैं खाटू श्याम में, बने रहो आप लोग। फाइनली भाई पहुँच गए हम लोग खाटू श्याम और ये सामने देखो निशान ध्वजा स्थल, यहाँ पे ध्वजा रख जाएगा, फिर यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे एंट्री के लिए दर्शन के लिए। चलो भाई ये देखो पहुँच चुके हैं खाटू श्याम। फाइनली भाई ध्वजा जो हमारा था निशान वो वहाँ पे रखा गया और ये मैंने झंडा ले लिया है क्योंकि मैं इसको घर ले जाऊँगा, अभी इसको चढ़ाने के लिए लेके चल रहे हैं। लाइन में लग चुके हैं, ये देखो लाइन है दूर दूर तक।
चलो भाई चलते हैं फटाफट। और दर्शन कर लो भाई, देखो बाबा श्याम का, ये देखो। जय Few moments later. तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई दर्शन करके रूम पर, और इतना ज़्यादा थक गए थे कि आके सो गए थे भाई, ब्लॉग भी एंड नहीं किए। तो ये थी हमारी पहली यात्रा, तो आप लोग कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और भाई चैनल पे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।